हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने दिल्ली में डॉक्टरों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे संघर्ष को हिंसात्मक तरीके से दबाने की कोशिश और जबरदस्ती डॉक्टरों को संघर्ष स्थल से उठाने की घोर भर्त्सना की है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है, लेकिन इस तरह की बर्बरतापूर्ण रवैया दिल्ली पुलिस ने दिखाया है और जबरदस्ती चिकित्सकों को वहां से उठाया है। यहां तक कि महिला चिकित्सकों के साथ भी दुर्व्यवहार और हिंसात्मक रवैया अपनाया है। इसका हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन पुरजोर विरोध करता है। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर पीजी काउंसलिंग को जल्द से जल्द करवाने की मांग पर पिछले 1.5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस काउंसलिंग से अगर नए विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल कॉलेजों में पूरे देश में दाखिल होंगे तो इसका किसको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फायदा जनता को होना है, क्योंकि उन्हें समय पर पूरा देश इस समय कोरोना की अगली लहर के साए में जी रहा है, तो फिर उनकी मांग अनुचित कैसे है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द रेजिडेंट डॉक्टर जिनको हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए और पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग को जनता की भलाई के लिए जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि महामारी के इस समय में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो सकें। देखिए, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ दिल्ली में हमारी रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ की गई हिंसात्मक और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का विरोध करती है, और उसी के विरोधाभास में हमने आज पूरे प्रदेश के अंदर काले बिल्ले लगाकर जो है हमने काम किया। और हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि क्या उनकी कोई मांग गलत थी, और क्या अपनी मांगों को हम शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मांग सकते। और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी जो मांग थी कि पीजी नीट काउंसलिंग की जाए जल्द से जल्द, जो कि वो पिछले 2 महीने से मांग रहे हैं, ताकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हो और उनका प्रशिक्षण जो है वो स्टार्ट हो, तो उससे हमें इस समय कोरोना महामारी में जो है वो फायदा मिलता, और फायदा किसको मिलता, आम जनता को। तो इस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारे शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हमारे डॉक्टरों के ऊपर बर्बरतापूर्ण और हिंसात्मक कार्रवाई करना, उनको जबरदस्ती हिरासत में लेना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की झंडे के तले हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है, और अगर आगे कॉल आती है और इस संघर्ष को तेज करने की जरूरत पड़ती है तो हम इसको तेज करेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है कि हमें अपना रूटीन चिकित्सकीय काम बंद करना है।